कर दी, कॉफी बना दो। क्यों क्या कर रोज कॉफी पी रहा है यहाँ? तो कॉफी तो चाय के साथ ब्रेड खाने का मजा, देखो ये कॉफी के साथ ब्रेड खा रहे। और ये गाइस मैंने तो मुंह पर मास्क बांध लिया है क्योंकि पहले ही बहुत दुश्मन बैठे हुए हैं, इसलिए मुंह पर मास्क बांध लिया। गाइस देख सकते हो कि महक को ये पर्स भी अच्छा लग रहा है इधर, लेकिन ना इसकी सिले निकल रही है गाइस। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइज जैसे कि देख सकते हो कि हम दोनों उठ चुके हैं और सबसे पहले महक मेरे लिए कॉफी बनाती है। तो सबसे पहले महक कॉफी बना दो मेरे लिए। देख तो क्या बोल रही है, बना दो यार कॉफी, बना दो फटाफट। देख लो गाइज मस्ती कर रही, कॉफी बना दो। क्यों यहाँ तो कॉफी तो रोज पीती है, बनाओ बताओ प्लीज बना दो। सबसे पहले महक मेरे लिए कॉफी बनाने वाली है, उसके बाद में आज हम लोग जाने वाले हैं कुछ स्पेशल शॉपिंग करने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि अभी नवरात्रि आने वाली है, तो नवरात्रि में कुछ स्पेशल शॉपिंग करने के लिए अभी जाएंगे और देखते हैं कुछ पसंद आता है कि नहीं महक को। और मैंने तो जैसे कि अभी आपको पता है कि हम थोड़े कपड़े ले लिए थे, तो मुझे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन महक को एक ड्रेस दिलानी पड़ेगी। जो भी देखते हैं वहाँ पर चल के ड्रेस पसंद आती है, साड़ी पसंद आती है, उसके बाद में फिर दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। यहाँ मैंने इनकी कॉफ़ी रेडी कर दी है और यहाँ पर मेरी चाय उकल रही है, क्योंकि मुझे चाय पसंद है, मुझे कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाय ही पीती हूँ हमेशा से, मैं चाय लवर हूँ। सो गाइस देख सकते हो बहुत अच्छी लग रही है चाय तो, और ये मेरी कॉफ़ी तो रेडी कर दी है महक ने, और ये कम नहीं है, ऐसा मत सोचना कि कम है, ये कब बढ़ा है, तो बढ़ा इस वजह से ऐसा लग रहा है। सो गाइस देख सकते हो कि इधर ये ब्रेड में चल रही है चाय इनकी, मस्त। कैसा लगा? मज़ा आ गया। आ गया मज़ा। ये हमारी कॉफ़ी, ये हमारी चाय, चाय के साथ ब्रेड खाने का मजा, देखो ये कॉफी के साथ ब्रेड खा रहे। ये देख सकते हो कि मेरी बियर्ड बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो इसको भी सेट करवाने के लिए मैं जाने वाला हूँ अभी। तो सबसे पहले चलते हैं इसको सेट करवाने के लिए, जब तक महक रेडी हो जाएगी और नहा लेगी तब तक हम चलते हैं फटाफट से सेट करवाते हैं बियर्ड को, उसके बाद में फिर दिखाई। हम लोग निकल चुके हैं दाढ़ी कटिंग करवाने के लिए, अब देखते हैं सेट करवाते हैं सबसे पहले दाढ़ी, उसके बाद में फिर मिलते हैं आपको। फिर है अभी दाढ़ी बनवाने के लिए, बहुत ज़्यादा बाल आ चुके थे, तो मैंने बोला था दाढ़ी बनवाने चले जाना, तो वहाँ गए हैं। और जब तक कि मैं घर क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि एक लड़की की ड्यूटी होती है, एक वाइफ की ड्यूटी होती है, एक औरत की ड्यूटी होती है घर को अच्छा रखना, साफ रखना, यू नो ना, तो फटाफट से घर को क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद फिर नहाने जाऊँगी, फिर नहा के आने के बाद फिर खाना रेडी करके फिर घर से बाहर चलेंगे, ठीक है? दाढ़ी कटिंग बनवाने जब तक कि मैं घर को क्लीन कर लेती हूँ, देख सकते हो कितना गंदा दिख रहा है, पूरा अच्छे से सफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर नहाने जाते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. मैंने दाढ़ी बनवा ली है, देख सकते हो। सो गाइस हम दोनों रेडी हो चुके हैं और हमारा खाना वगैरह सब हो चुका है, और आप देख सकते हो सारा घर का काम भी मैंने कर लिया है, आपने वीडियो में देखा ही होगा। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं शॉपिंग के लिए और देखते हैं नवरात्रि में कैसा क्या मार्केट लगा है देखने के लिए, तो जो पसंद आएगा तो वो ले भी लेंगे, तो चलते चलें। और ये गाइस मैंने तो मुंह पर मास्क बांध लिया है क्योंकि पहले ही बहुत दुश्मन बैठे हुए हैं, इसलिए मुंह पर मास्क बांध लिया है। और ये रही हमारी धन्नोरानी महक की, देख सकते हो आप, अब इसको स्टार्ट करने निकलते हैं। हम पहुंच चुके हैं शॉपिंग मार्ट में, अब यहाँ पर जाकर देखते हैं कुछ पसंद आता है तो लेते हैं या फिर दूसरी जगह देखते हैं। क्या हो गया जो कोई पहचान लेगा, फालतू पहले दुश्मनी चल रही है बहुत जगह, कोई पहचानने वाला अगर मिल गया तो फालतू दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, इसलिए मास्क पहले ही लगा रहे हैं। सही है, मुझे तो कोई भी पहचान लेगा, तुमको तो नहीं पहचानते, मुझे बहुत सारे पहचानने वाले। चलो चलते अंदर गाइस, फिर दिखाते हैं आपको आगे, कुछ पसंद आता है तो यहाँ से लेते हैं, नहीं तो फिर अगर नहीं पसंद आएगा तो फिर दूसरी जगह लेके चलते हैं हमारी मैडम को। चले अंदर, ये देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे स्वेट शर्ट दिख रही है महक को, कौन सी सिलेक्ट करो? बहुत सारी है वैसे तो, वैसे ठंड आने वाली देख सकते हो, कौन सी चूज करना तुमको? ठंड आने वाली, इसलिए मैं सबसे पहले स्वेटर को ही देखा, स्वेट शर्ट। और इधर भी रखी हुई देख सकते हो, टी शर्ट है ना, जैकेट टाइप है, हाँ अच्छी लग रही है, देखो चूज करके
हाँ मस्त लग रही है, ट्राई करके देखना पड़ेगा उसको, तुम्हारे नाप का देखो, नाप का मिलना चाहिए ये साइज़। मैं बहुत दुबली हूँ, मैं साइज़ नहीं मिल पाया, मुश्किल है गाइस इसका साइज मिलना। एल है तुम्हारा तो स्मॉल साइज, और स्मॉल साइज है ना बहुत ज्यादा अलाउ भी नहीं देता है, अलाउ तो रहता है मिलता नहीं है। सो गाइस महक को कुछ इसमें से पसंद आ रहा है, देखते हैं आप कौन सा चूज करती है। मैंने देखा है मुझे तो ब्लैक अच्छा लगा, इन दोनों में से अब एक चूज करना है, मुझे कंफ्यूजन बहुत रहता है, आप लोग बताना कमेंट करके इन दोनों में से कौन सा अच्छा है। इसलिए तो मैं नहीं आता हूं गाइस, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को आने की जरूरत नहीं है। हां क्या बोल रहे हो, इसलिए तो मैं नहीं आता हूं, मैं इतनी बोर होता हूं शॉपिंग में गाइस, और महक की शॉपिंग तो बहुत ज्यादा लंबी चलती है और समझ में इसको कुछ आता नहीं है, लेकिन क्या करूँ। देख सकते हो कि हम लोगों को यहाँ पे नवरात्रि का जो कलेक्शन है वो दिख चुका है, और अब महक इसमें कलेक्शन है पूरा ये, अब महक चूज करती है इसमें से कौन सा पसंद आता है, देख सकते हो, और प्राइस भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पर है मस्त लग रहा है, नवरात्रि इसके ऊपर ये पीछे कुर्ते रखे नहीं, ऐसे टॉप के ऊपर पहन सकते हैं ना ऐसे, बढ़िया यार मस्त है। अच्छा तुमको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अब देखते हो। सो गाइस अब बहुत कंफ्यूजन है, इधर देख सकते हो आप कि कौन सा चूज करना है, देख सकते हो कि महक को ये पर्स भी अच्छा लग रहा है इधर, लेकिन ना इसकी सिलाई निकल रही है गाइस, सिलाई निकल रही है इसकी, लेकिन देख सकते हैं इनको चेक कर लेती हूं अच्छे से, कैसा लग रहा है आपको कमेंट, मुझे तो अच्छा लग रहा है, और बाकी आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, लेना है कि नहीं। लगता है कि महक को हमारी कपड़े पसंद नहीं आए ठीक से, और वापस से आने वाली है ट्रायल करके, उसने मुझे बता दिया कि कैसा लग रहा है कपड़े, लेकिन उसको एक भी पसंद नहीं आया कपड़ा। अब चलते हैं दूसरी जगह भैया, और दिखाते हैं फिर आपको आगे, वो आगे ये देख सकते हो क्या हुआ, इतनी बदली है गाइस, सोच सकते हो आपके कि कपड़े ही पसंद नहीं आ रहे हैं उसको, क्या करें क्या करना है, दूसरी जगह देख लो गाइस, इसलिए फिर मैं परेशान हो जाता हूँ यहाँ पे आने से, क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान करती है मम्मी ना, पसंद करवा देती दीदी पसंद करवा देती, अब तो यही ही, और इनको भी समझ में नहीं आता है, अब मैं कैसे समझाऊँ यार, मैं तो खुद बोर हो जाता हूँ गाइस, पता नहीं कि कैसे कैसे कपड़े इसको समझ में भी नहीं आते, और फिर जो फिट जैसे मैं खाली भी करी लेती ना, मेरे कपड़े मुझे मिलते ही नहीं, और फिट भी नहीं आते, प्रॉब्लम वो है ना, इधर देख लो गाइस, महक की शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट, उसके बाद में इसको चनाचूर गरम दिया, देख सकते हो आप ये खा रही है अच्छी तरीके से, मैं वो खाकर दिखाऊंगी मैंने क्या लिया है। सो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं और हमारी शॉपिंग खत्म हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हो, और महक की अच्छी तरीके से शॉपिंग हो चुकी है, अभी तो और कुछ भी कुछ लेना बाकी है ना, ये तो हम लोग लेने क्या गए थे, वो लेके क्या गए, ठंड के कपड़े लेके आ गई महक, विंटर के कपड़े पहले ही खरीद लिए मैंने, मतलब जो चीज़ चाहिए थी वो तो मिली नहीं, और जो नहीं चाहिए था वो लेके आ गए हम दोनों। कैसा लग रहा है लेकिन अच्छे, अब बताऊंगी इसको नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और कुछ कहना चाहोगे, ध्यान रखना और जो चैनल पे नए प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।